बट यहाँ पे आज तक कोई ऐसा यहाँ पे कोई बंदा है विद द शो ऑफ हैंड्स जिसने ऑनलाइन कुछ ना मंगवाया हो? ऑनलाइन कभी कुछ नहीं मंगवाया, देख लो यहाँ पे 100 बंदा है तो सिर्फ 2% 98% पीपल हैव ऑलरेडी डन ऑनलाइन ई-कॉमर्स। मैं 100 से ज्यादा बार लोकली खरीद चुका हूँ एंड आई ओनली बीन इन पाकिस्तान फॉर लाइक 4 years, ठीक है? सो इट्स लोकल चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, छा जाओ। अच्छा नेक्स्ट उधर ही जाके स्टाफ रॉन्ग नंबर शादी नहीं होनी। Yes, sir. सुना हुआ ना? जी। ये किसने सुना हुआ है? Jack of all trades, master of none, but a master of one, but a master of many is better than a master of one. ये सुना हुआ है ना? Yes, sir. So listen, focus करो एक चीज पे। एक चीज पे focus करो। मैंने जो उनको कहा था, bread crumbs, जहाँ पे कतरा भी success आपको मिलती है, उसके अंदर घुस जाओ और उसको बड़ा करने की कोशिश करो, उस field में बड़ा होने की कोशिश करो। ये आसान जॉब है, sir. Stop. इसमें पेशन हो दो चीजें, एक बार सिस्टर जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट है, जिसमें वो इस चीज के लिए अल्लाह ने उसको बनाया था, एंड जो चीज उसको आसान करने में लगे, आसान। I've said this many times before, ये अफ्रीकन आपने देखे हैं, अफ्रीकन जो भाईजान होते हैं ये दौड़ में बड़े तेज होते हैं, like in every 800 meter और marathons यही जीत रहे होते हैं भैया, फिर और भी टॉप 10 4 5 6 होते हैं, ऐसा है ना? घोड़ा कम ही देखने को मिलता है, अगर घोड़े चाहे अल्लाह ने उनको इसी काम के लिए बनाया, they have these very amazing muscles, right? तो इसी तरह there's something inside you जिसके लिए आप बने थे, mentally भी physically. And physically भी, ठीक है? And spiritually भी, चलो तीन चीज हो गई, वो जहां भी मैच करता है वो चक्र आपका, that's why you wanna follow me. दूर जा सकते हो क्योंकि आपको काम काम नहीं लगेगा। अच्छा भाई जान आप टोटल कितने दस है? दस नहीं आ रही। इधर भी नहीं आ रही। हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था कि कैपिटल सिक्योरिटी और ग्रोथ डिजिटल वर्ल्ड में जाता है या ऑन ग्राउंड बिजनेस में जाता है? स्केलेबिलिटी लव्स आप यूज कर रहे थे, यस दैट्स व्हाट पीपल लुकिंग फॉर, स्केलेबिलिटी। अगर मैं कह सकूं आई विल ऑलवेज डिजिटल, ऑलवेज ऑलवेज चूज डिजिटल बिजनेसेस। आजाद चैनल वाला इन न्यूकैसल की एक छोटा सा 10x10 रूम में जब उसकी वेबसाइट चलने लग पड़ती है तो उसका कस्टमर सिर्फ न्यूकैसल में नहीं है,
यूके में नहीं है, पूरी दुनिया में है। जब मैंने अनाउंस किया ना कि यार फियोना गेम्स डॉट कॉम मेरी थी, वो वीडियो अब भी लाइव उसके नीचे जाके देखो, वो जरूर आपका था, मैं तो इसे कब का गेम खेल रहा हूँ, राइट? सो डिजिटली इट अलाउज यू टू स्केल अ लॉट फास्टर। एक ऑफिस में यहाँ बैठ के आप एक कहा तो डील कर सकते हो, दस को कर सकते हो, दस हजार को कर सकते हो, दस करोड़ को कर सकते हो, सौ करोड़ को कर सकते हो, इस कमरे को लिया फिजिकल बिजनेस और आपके ऑफिस निशानी पे। हम अभी रही ना बिल्डिंग सुन रहे हैं ना, मैं माजिद और हिजल सुबह की हमें 13 लाख की दिखा रहे हैं, 9 लाख की दिखा रहे हैं, एंड चप्पे चप्पे की जगह है। मेरा सवाल आप ये कह रहे थे कि ऑन ग्राउंड बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है डिजिटल हेल्थ के साथ। यस सबको आई अंडरस्टैंड, मैं कह रहा हूं कि बेसिकली नहीं, मैं कह रहा हूं कि डिजिटल बिजनेस इज बेटर क्रिएटिंग का बिजनेस कर रहा हूं रॉक ग्रेड। हां उसको उसमें अगर मैं इस्तेमाल करूंगा डिजिटल उसको तो वो ग्रो करेगा, लेकिन बिजनेस जरा ऑन ग्राउंड उसके लिए मैं स्किल्स यूज कर रहा हूं डिजिटल। एक है कि आप डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं वेब डिजाइन के लिए, ये बड़ा मैंने लिया उस सिस्टम के मुकाबले में स्क्रीन पे ग्रोथ किस पे ज्यादा है। अच्छा कुत्ते ब्रीड करके बेचने वाला बंदा उसकी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है जो या बंदा जो डिजिटल प्रोडक्ट कुत्तों के इमोजीज बेच रहा है, कुत्तों के तस्वीरें बेच रहा है, जो बंदा डिजिटल वर्जन कर रहा है ना वो ज्यादा स्केल कर सकता है। ओके दैट सेड सॉरी, वैसे हमने टॉपिक उठाया कुत्ते बिल्लियों की कीमत लेना इस नाम में नॉट जायज, मेरा फेसबुक का 10 करोड़ का तजुर्बा है। तो मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसने डॉग ब्रीडिंग करा था ब्लॉकचेन के ऊपर, और उसकी जो कसर कसर रहती इसलिए कर रहा है उसकी लिनेज रहती है। हाँ एग्जैक्टली, और वो ब्लॉकचेन के ऊपर कर रहा था जो चीज आज शायद हमें पता भी नहीं है। ये क्लाइंट मैंने आज से 2-2.5 साल पहले डील किया था, और ब्लॉकचेन के ऊपर उसने सारी मार्केटिंग की थी, एंड ही वाज डूइंग फिनोमिनल। ठीक है तो गुड, थैंक यू फॉर दैट इन्फो। मैंने भी बिजनेस सेटअप किया है सर, मेरी जो है ना वो इसी क्लास से और सर्विसेज बेस्ड स्टार्ट किया था, और पूरे पाकिस्तान में सेल पे भी जो है मुझे लगे एक वेबसाइट बनाई 2011 में बनाई थी, 12 में गूगल टॉप रैंक की और आज तक टॉप रैंक है। एक चीज का बिजनेस बहुत चल रहा है वो है कैट फूड जो रेयर हो चुका है ना, तो हम यार क्यों ना बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ लोग जाया करते हैं, कोई हम लोग डिजिटली जाते हैं उनको जाने दो। अच्छा वह ना अभी 7 हो गए, आठवाजी रेडी सही है इधर मेरी तरफ है। जाय से जाय से, ये बड़े नेक लोग हैं इधर, 6-7 हो गए। सनी भाई ने आपने वो उठाया था कि मैं साथ चाय वाला नहीं पर जो डिग्री पे बात करूं, सो आप उनको किस हद तक के एग्री करते हैं उनके साथ कि डिग्री एक हद तक जरूरी है? अच्छा फर्ज करो सनी अली भाई जान मुझे बहुत अजीज है, राइट? And फर्ज करो कि यार आपके माँ बाप वाकई आपको ना लाइक रियली पुश कर रहे हैं और आपको डिग्री लेनी ही है, मेरा डिग्री के मुतलक क्या स्टांस है? नहीं रटा है, राइट? रटा होने के बावजूद मेरा क्या है कि मैटर के बाद डिग्री पे जाना है, कॉलेज हमने हटा देना है। ये सुना हुआ कि आपने कि नहीं, कॉलेज की जरूरत ही नहीं है, प्री मेडिकल प्री फलाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे 11वीं 12वीं इंटर जो भी आपने उसको कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। सुना हुआ सनी अली वुड लव मी फॉर दिस, राइट? वो मैं जान के उनका स्टेज की वो पार्टी बुक नहीं करना चाह रहा था, बट आई वुड लव टू गो एंड पुट चाय नाम से इतना गलत ना कर। तो ये क्या हो गया, आपने 10वीं से डायरेक्टली डिग्री कर ली है। वो डिग्री क्या होती है, 4 साल की होती है ना। आजाद चाय वाला कहता है कि एक डिग्री कितनी लंबी होनी चाहिए, 6 माह की। तो सनी अली वुड लव बैटर से बंदा सनी अली भी खुश, अपनी अब भी खुश, मैं भी खुश, तुझे भी खुश, सारे खुश।